एक्सप्रेस न्यूज। मामला जिला भदोही का है, जहां पर गोपीगंज थाना के एसओ सुनील वर्मा आज अपनी अकड़ में इतने दीवाने हो गए हैं कि योगी राज का भी ख्याल इनको नहीं आ रहा है। बताते चले कि कुछ दिनों से इनकी तमाम बातें सामने आनी शुरू हुई। एक प्रधान को थाने के अंदर बेइज्जत किया गया, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों के साथ साथ शासन से भी की गई, लेकिन जब एसओ सुनील वर्मा का कुछ नहीं हुआ तो उनके तेवर और ज्यादा सख्त हो गए और लोगों पर अपना रौब गांठना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद जो मामला सामने आया है उसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मामूली कहा सुनी पर दो पक्षों को थाने में लाकर एक पक्ष की इतनी पिटाई की गई कि व्यक्ति थाने में ही मौत के आगोश में चला गया। जी हां, मामला थाना गोपीगंज का है, जहां एसओ सुनील वर्मा हैं, जो अपनी अकड़ में इस तरह से दीवाने हो गए हैं कि लोगों के इज्जत को तो छोड़िए, किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव भूषण उपाध्याय ने इनकी शिकायत कई बार की, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों ही इस पर कार्यवाही नहीं कर पाए, जिसके बाद एसओ ने थाने में लाने के बाद एक व्यक्ति को इतना पीटा कि उसकी मौत हो जाती है। बताते चलें कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी तीन बेटियां हैं और एक बेटा है, जो अभी काफी छोटा बताया जा रहा है। वहीं कमाने वाले भी सिर्फ मृतक ही थे, उनके अलावा उनके परिवार में कमाने वाला भी कोई नहीं है। अब योगी राज में देखने वाली बात ये होगी कि इन चार बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी जो इनका पालन पोषण कर सके। हाँ, हमारे पापा और मेरे चाचा दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया था। वो लोग वहाँ गए केस करने के लिए, तो मेरे चाचा बताने लगे कि मतलब यहाँ चार हिस्सा होना चाहिए, तो उतने पे मेरे बुआ को बोले कि फूंक दिया जाएगा। इतने में पुलिस भड़क के बहुत ज़्यादा मेरे चाचा को मारने लगी, थप्पड़ थप्पड़, और मेरे बोला कि गाली बहुत गंदी गंदी देने लगे। फिर उसके बाद मेरे पापा बोले कि मेरे भाई को मत मारिए साहब, छोड़ दीजिए, गलती हो गई उससे। तो मेरे पापा को भी दो तीन थप्पड़ मारा, फिर कहा इन लोग को दोनों को थाने में बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद मेरे चाचा को और मेरे पापा को जेल में बंद करके क्या हुआ हम लोग नहीं देख पाए, उसके बाद हम लोग नहीं जानते। फिर उसके बाद उन लोग पता नहीं कहाँ चले गए और कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग को बाहर बैठा दिया गया और सारे पुलिस बैठ के आपस में ही बात करने लगे, और बाहर कोई पुलिस भी नहीं खड़ी थी कि हाँ उनको देख सके कि हाँ उनकी तबीयत कैसी चल रही है कैसी नहीं। जब उन एकदम से हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जा रहा, किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग बार बार कह रहे थे कि हमको जाने दीजिए, मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक है। हम लोग अंदर, उन लोग एक लोग भी बाहर अंदर जाकर नहीं देखे कि हाँ वो कैसे हैं कैसे नहीं। हम इस सब में दोषी पुलिस वाले को ही मानते हैं, सबसे ज्यादा पुलिस वालों की गलती है। उन लोग की वजह से ही मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई जो इस दुनिया में नहीं है। हमको इंसाफ दिलाइए, बस हम आपसे यही चाहते हैं, प्लीज मेरी मदद करिए। अब हम लोग का कोई नहीं, मेरी तीन बहन है, एक छोटा भाई है और मेरी माँ है, बस और कोई नहीं है। घर खर्चा चलाते थे मेरे पापा, आज वो भी नहीं है। दुनिया में हम लोग किस तरह से रहेंगे, बस यही सोच रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल गोपीयन थाना में गोपीयन के निवासी रामजी मिश्रा की गोपीयन थाने में थानाध्यक्ष गोपीयन के मौजूदगी में लॉकअप में मृत्यु हो गई। हम मृतक परिवार के इस दुखद घड़ी में हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। आज हम YouTube के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से मैंने देखा, भदोही जनपद से हमारे भदोही के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने मृतक परिवार को आकर के आश्वासन दिया, उन्हें बताया कि आप लोगों का न्याय होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सुनील वर्मा 24 मई को मेरे खिलाफ भी इन्होंने मुझे बेइज्जत किया थाने में, मेरा अपमान किया, मुझे इन्होंने अपराधी कहा और उन्होंने खड़ा करके मेरी फ़ोटो खींची। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे ग्राम सभा में हमारे कुछ राजनीति विरोधी रात में हमारे ग्राम सभा के कामों का ये तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं। इसकी शिकायत करने जब मैं गोपीय थाना अध्यक्ष के यहाँ गया तो सुनील वर्मा ने मुझसे कहा कि तुम अपराधी हो, इसलिए तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी। और मैं इनके विरुद्ध SP भदोही के यहाँ गया, सचिन पटेल जी के यहाँ, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आपकी शिकायत पर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। मेरी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम DIG भदोही के यहाँ गए, हम अपर पुलिस महानिदेशक
वाराणसी के यहाँ गए, डीजीपी लखनऊ के यहाँ गए, प्रमुख सचिव गृह के यहाँ गए, कई जगह से सुनील वर्मा के खिलाफ शिकायती पत्रों पर जांच चल रही है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी मजबूरी है पुलिस अधीक्षक भदोही की कि सुनील वर्मा को गोपीन थाने से नहीं हटा रहे थे, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनील वर्मा उस थाना में जब तैनात थे तो ये काफ़ी प्रधानों को बेइज्जत करते थे और ख़ास करके ये ब्राह्मणों का ये अपमान करते थे। ये वही सुनील वर्मा है जो अपने प्रमोशन के अवसर पे अपने थाना में डांस बारों को बुला करके खुलेआम इन्होंने नृत्य किया था और यह कई यूट्यूब चैनलों पर समाचार पत्रों में चला था। सुनील वर्मा बहुत ही दिमाग के अफसर हैं, ये किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी की भी मृत्यु किसी को मार सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा गहरे सदमे में हैं कि जब सुनील वर्मा ने उससे कहा था कि तुम अपराधी हो, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी, तो कल जब रामजी मिश्रा की मौत लाकत में हो गई तो मैं यह सोचने लगा कि क्या रामजी मिश्रा बहुत बड़े अपराधी थे जो इन्हें लॉकअप में बंद करके मार दिया गया। हम मृतक के परिवार के साथ खड़े हैं, हमारा प्रधान संगठन के साथ खड़ा है, अखिल भारतीय प्रधान संगठन परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में मृतक रामजी परिवार के साथ, उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन्हें किसी भी प्रकार से उन्हें न्याय नहीं मिला है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि अभी तक सुनील वर्मा ने मेरा अपमान किया था। मैं यह समाचार पत्रों में तो नहीं दिया लेकिन उच्च अधिकारियों को मैंने अवगत कराया था कि सुनील वर्मा किसी भी समय हमारी हत्या करवा सकते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ऐसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन होना चाहिए, पूरे भदोही।